नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं गेहूं कटाई का सीजन बिल्कुल पास में आने वाला है, तो कई किसान भाई सोच रहे होंगे कि हमें एक अच्छा सा थ्रेसर ले लेना चाहिए गेहूं कटाई के लिए। तो आज की वीडियो में हम जिस थ्रेसर के बारे में जानकारी देंगे वो है गोविन कंपनी का थ्रेसर। गोविन कंपनी का ये अलग थ्रेसर सबसे ज्यादा पॉपुलर है हमारे एरिया में, जैसे यूपी और बिहार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा यही थ्रेसर यूज किया जाता है। लेकिन कई कंपनियां आई इस थ्रेसर को टक्कर देने के लिए, लेकिन कोई भी कंपनी इस थ्रेसर को टक्कर नहीं दे पाई, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा होता है और ये बाकी थ्रेसरों से डिजाइन इसका काफी ज्यादा अलग होता है और ये काफी ज्यादा अच्छा थ्रेसर माना जाता है। इसके अंदर मेंटेनेंस बहुत कम होता है, इसलिए महिंद्रा कंपनी ने गोविंद कंपनी को टक्कर देने के लिए खुद का धरती में हावर डावर थ्रेसर लॉन्च किया। बिल्कुल वही है जो गोविंद कंपनी का थ्रेसर है, बिल्कुल वही सेम डिजाइन में महिंद्रा कंपनी ने भी लॉन्च किया है। इस थ्रेसर का डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक है और ये कई सारे फसलें निकाल सकता है। ये मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, ये कई सारे फसलें निकाल देता है, जैसे कि मसूर, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, उड़द, सब कुछ ये आसानी के साथ में निकाल देता है। बस इसके अंदर आपको सेटिंग करने की जरूरत होती है और बाकी कई सारे फसलें आसानी के साथ में ये निकाल देता है। और इसकी रिटेल वैल्यू हमारे एरिया में सबसे ज्यादा है, यूपी और बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा ये पॉपुलर थ्रेसर है। तो इसीलिए महिंद्रा कंपनी ने इस कंपनी को टक्कर देने के लिए अपना खुद का थ्रेसर लॉन्च किया है। तो ये गोविंद कंपनी का हावर डावर मॉडल है जो कि लाइट सीरीज में आता है और इस थ्रेसर का डिमांड हमारे एरिया में इतना ज्यादा है कि कोई भी कंपनियां आई इसको टक्कर देने के लिए, कोई भी कंपनियां टक्कर नहीं दे पाई। जैसा गोविंद कंपनी का डिजाइन है थ्रेसर का, बिल्कुल वही डिजाइन में महिंद्रा कंपनी ने लॉन्च किया है। जो किसान भाई यूपी बिहार के हैं वो जानते हैं कि गोविंद कंपनी का ये कैसा थ्रेसर आता था और ये डिजाइन में। अभी महिंद्रा ने इसको अपने धरती में हावर डावर मॉडल के नाम से इस थ्रेसर को लॉन्च किया जय गुरुदेव इंडस्ट्री के साथ में मिलकर गोविंद कंपनी को टक्कर देने के लिए। लेकिन ये थ्रेसर काफी ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा सिंपल होता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि आगे थ्रेसर ड्रम होता है और पीछे फैन लगा होता है, जैसे इसके अंदर तीन फैन लगे हैं और ये 48-27 इसका हेड होता है और ये तीन फैन में आता है और एक फिल्टर इसके अंदर दिया जाता है। और इसके अंदर सेम टू सेम महिंद्रा कंपनी में भी यही सेम आता है और इसके अंदर एक और मॉडल आता है 42-27, इसके अंदर दो फैन होता है और एक फिल्टर होता है, ये भी काफी ज्यादा अच्छा थ्रेसर है। 42-27 वाला 35 HP का ट्रैक्टर आसानी के साथ में चला लेता है और ये तीन फैन वाला जो थ्रेसर है 48-27 का, तो ये 45 HP से ऊपर वाले ट्रैक्टर चला लेता है काफी आसानी से। और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर चार बेल्ट दिया जाता है जो कि काफी ज्यादा हेवी है और ये थ्रेसर बाकी थ्रेसर से छोटा होता है लेकिन ये चौड़ा होता है, तो इसलिए बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी कंपनियों के थ्रेसर काफी ज्यादा लंबा होता है लेकिन ऐसे मोड़ने पर पलट जाता है, लेकिन ये पलटा नहीं है। और ये गोविंद कंपनी का थ्रेसर का डिमांड इतना ज्यादा है ये वाला मॉडल का कि महाराष्ट्र, बिहार, यूपी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हमारे वीडियो पे कॉल आते हैं कि ये थ्रेसर के लिए। और सेम ऐसा महिंद्रा का भी है, अगर आपके एरिया में आप गोविंद कंपनी का ये थ्रेसर नहीं मिल रहा है तो आप महिंद्रा के डीलरशिप पे जाके आप महिंद्रा का थ्रेसर ले सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जो ये थ्रेसर है बिल्कुल वही थ्रेसर, वो भी महिंद्रा कंपनी का है। लेकिन महिंद्रा से इसकी पेंट क्वालिटी और स्टिकर क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा दिया जाता है इसके अंदर। महिंद्रा का थोड़ा सा देखने में अलग लगता है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसान भाई, और बात करते हैं इस थ्रेसर के प्राइस के बारे में, तो ये 2,90,000 इसका अभी का प्राइस है, आगे हो सकता है कि प्राइस चेंज हो जाए। ये था किसान भाई गोविंद कंपनी के थ्रेसर के बारे में। अगर किसान भाई आपको खरीदना है तो आप गाजीपुर में कुशवाहा एग्रो मार्ट के यहाँ से आकर ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप अपना सवाल जवाब या प्राइस पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसान भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।